रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है सिद्धरामजी और साहब, और आप भी सामने आ जाइए। उनका ये समिति के हमारे ज्येष्ठ सदस्य है और इनके वजह से हम लोग यहाँ पे अभी आपको आ गया, हम लोग आपको बता दें क्या कहेंगे। ये जो है यहाँ बाबा साहब का स्टैचू, अभी तो प्रतिमा है, अभी कुछ दिन के बाद यहाँ स्टैचू बनेगा। यहाँ पर स्टैचू लगेगा इस जगह पर बाबा। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है आपके द्वारा कि अभी तो यहाँ पर 6 दिसंबर कल था, आज 7 दिसंबर है, और स्मारक है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, ये स्मारक का ये लोगो है। अच्छा, तो इसके बाद यही लोगो हर जगह यूज किया जाएगा। अच्छा, हाँ देखिए ये है जो लोगो में दिया गया है बाहर के स्मारक का, ये है लोगो। बाहर से भी हम आपको दिखाएंगे थोड़ी समय में। आगे बता रहा है। ये देखिए गेट खुला गया, यहाँ पर देखिए बहुत सुंदर बहुत सुंदर ए सी है, और यहाँ पर देखिए बाबा साहब ये फोटो फ्रेमिंग की गई है दीवार में ही, और इसमें लिखा गया है बाबा साहब ने फ्रीडम क्या हुआ क्या क्या ये पावर है कि स्ट्राइक
चार बजे स्क्रीन पे लाइव रहेगा हमेशा हमेशा। अभी यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे थे उनको पढ़ाने वाले वो प्रोफेसर थे लेक्चरर थे उनका ये नाम है। अच्छा जितने लोग हाँ, बाबा साहब को पढ़ाया है अच्छा तो उनका भी नाम पे नाम लिखा है अध्यापक वर्ग बाबा साहब का। ये मराठी में इंग्लिश में ये उसी ये निवार का भी है हाँ कोलंबिया पीएचडी किया बाबा साहब ने। अच्छा कोलंबिया यूनिवर्सिटी का बाहर से 1913 और ये बाबा साहब का लंदन का घर था जो लंदन गवर्नमेंट ने अभी लिया हुआ। और ये जो है हाँ और ये जो है कि बाबा साहब के अलग अलग एंगल से आपको है। अच्छा यहाँ हाँ ये बाबा साहब का अलग अलग एंगल से काफी तस्वीरें हैं। ये सयाजीराव महाराज सयाजीराव गायकवाड़ जिन्होंने आराम से बताइए समय है सयाजीराव गायकवाड़ महाराज जो बाबा साहब को उन्होंने भार दे जाने के लिए बड़ौदा संस्थान के तो उन्होंने स्कॉलरशिप दिया था
महाराज हैं और यहाँ पे और ये कोल्हापुर संस्थान के महाराज हैं बाबा साहब के शाहू महाराज। ये दो जो लोग हैं ये बाबा साहब के जीवन में परिवर्तन जो किया आर्थिक और श्रमिक दोनों लोगों ने किया इसके वजह से बाबा साहब पढ़ सके। और बाबा साहब का जो है कि कौन से ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ दिया हुआ है पहले से लेके कि भाई कहाँ कहाँ किया है वो मराठी में नीचे इंग्लिश में एम ए कहाँ किया है पीएचडी कहाँ किया है एम एस कहाँ किया है डी एस सी कहाँ किया है सब यहाँ दिखा है। और यहाँ पे देखो बाबा साहब का ये कैसा है देखने में वैसा ही बाबा साहब ने ये अंग्रेजी में लिखा है लेकिन वैसा ही मराठी में देखो मराठी का भी वर्ड उनका बाबा साहब का बहुत ही बढ़िया था ये मराठी में है। ये मराठी में उनकी स्टाइल लिखी थी। बाबा साहब ने जो मुकनायक पाक्षिक ने कहा था वैष्णु भारत जनता संता प्रबुद्ध भारत जो प्रेस के माध्यम से जो किया हुआ तो ये एक दो तीन चार पांच ये जो पांच पत्र उन्होंने निकाला हुआ था। ये जब जब बाबा साहब ने किस डेट में किस सन में निकाले थे सर किस नाम से ये जो है कि ये आत्मा है ज्ञान शक्ति आत्मा यानी जब ये यहाँ पे जो होता है जो भी कुछ किया बाबा साहब ने आज पेन और बुक के सवाल ही हो पाया इसीलिए पेन और बुक बाबा साहब से बताया गया है कि बाबा साहब के जीवन में जो बचपन से लेके तो उनका अंतिम एंड तक ये पे उन्होंने खाली बुक और पेन का जो वैल्यूएशन है वो यहाँ पे बताया गया है कि बाबा साहब ने खाली पेन और बुक के इस पे ही पूरा जग प्राप्ति किया है ने जैसे संविधान लिखा हुआ है नॉलेज तो ये लिखा हुआ है नॉलेज इज पावर। कैमरे में आते रहे